2012 में आई एक ऐसी मूवी जिसे हर किसी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा है। मैं बात कर रहा हूँ ईगा मूवी की, जिसे हम हिंदी में मक्खी के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि इस मूवी में इतनी यूनिक चीजें दिखाई गई हैं और इस मूवी में काफी सारे कमाल के सीन्स भी शामिल हैं, जिस वजह से आज हम इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स एक्सप्लेन वीडियो लेके आ चुके हैं। इसलिए जल्दी से लाइक करके अपने फोन को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और बिहाइंड द सीन्स का मजा उठाइए। शुरुआत करते हैं इस कमाल के सीन से, जिसमें सुधीर किच्चा गाड़ी चला रहे होते हैं और तभी मक्खी उनका एक्सीडेंट करने के लिए उनकी आंख में घुस जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट वाले सीन को रियल में ही शूट किया गया था, लेकिन सीन को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए कुछ पार्ट में VFX का भी यूज किया गया था। इस सीन में जब सुधीर किच्चा को बॉडी स्मोक लेते हुए दिखाया जाता है, तो उस सीन को रियल में कुछ इस तरह से शूट किया गया था जैसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आपको बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर राजा मौली है, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की है वो आप इन क्लिप्स में देख सकते हैं, जिसमें राजा मौली खुद एक्टिंग करके एक्टर्स को समझा रहे हैं। वैसे अगर राजा मौली को आप भी पसंद करते हो तो कमेंट में इनकी लेटेस्ट मूवी का नाम जरूर लिख देना। इस सीन में आप देख सकते हैं कि किच्चा सुधीर कैसे गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के रियल हीरो मक्खी की। जाहिर सी बात है कि मूवी में रियल मक्खी से एक्टिंग कराना तो इम्पोसिबल था, जिस वजह से इस मक्खी को VFX की मदद से बनाया गया था। आपको बता दें, राजा मौली ने इस मूवी को बनाने से पहले मक्खी पर काफी ज्यादा रिसर्च की थी, जिस वजह से इस मूवी में मक्खी की एक्टिविटी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस मूवी के क्लाइमैक्स के बिहाइंड द सीन्स, जो काफी ज्यादा डरावने थे और सबसे ज्यादा VFX का यूज भी इन क्लाइमैक्स वाले सीन्स में ही किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब इस में आग लग जाती है तो इस आग वाले पूरे सीन को VFX की मदद से कैसे बनाया गया था। इसके अलावा इस सीन में बर्ड्स और अदर ऑब्जेक्ट को 3D मॉडल के रूप में क्रिएट किया गया था, जो मूवी में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। अब अपने फोन को उठाओ और हमें सब्सक्राइब करके स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी मनपसंद फिल्म के बिहाइंड द सीन्स देखो, जिसमें पुष्पा जैसी मूवी के बिहाइंड द सीन्स भी शामिल है।